अस्सलामुअलैकुम यार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। क्या ऐसे होंगे यार दोस्तों, वो शाम का टाइम है और मैंने सबसे पहले देखा कि यार दोस्तों, ये जो हमारे ऊपर चूजे थे ना, वो नीचे आ चुके हैं। ये देखें, ऊपर से नीचे आ गए हैं। वो जो बीच में लोहे की थी ना, वो साइड पर होगी और वो देखे नीचे आ गए हैं। यार ये इसका आपको हाल निकालना निकालना होगा हमें। और ये देखें, ये सारा अपना अपना फिर रहे हैं और मैंने पकड़ने बाजी वाली दानी दानिया नहीं पा यार, आपको तो पता है ना। तो यार मैंने पकड़ लिया है, तो चलते हैं बाहर। तो यार मैं बाहर आ चुका हूँ और अब मैंने इसमें बाजा डालना है। और ये देखें, कबूतर भी हमारे खोल दिए हुए हैं हमने। और वो देखें, सब अपना दाना दाना खा रहे हैं माशाल्लाह से। जब यार ये कैसे इकट्ठे होते हैं ना सारे, तो यार बहुत खुशी होती है देखकर इनको। बिल्कुल एक तसली सी मिलती है यार, क्योंकि ऐसे फिरते हैं, बहुत प्यार से लगते हैं ये। और अब अपनी फिंचेस को देखते हैं, क्योंकि वो कल बॉक्स में जा रही थी। तो यार दोस्तों, इन्होंने तो मेरे ख्याल से अभी कोई जहन नहीं बांध रहा। और चीरा मुझे थोड़ा सा बीमार लग रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। और इनकी नेस्टिंग यार दोस्तों काफ़ी अच्छी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है इनकी। ये देखें दोस्तों, आपको मैं वो दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी इन्होंने कर ली है नेस्टिंग। और एक बस हमने दुआ करनी है कि यार ये बंदे बच्चे दे दें इंशाल्लाह, ये दे देंगे। यार ये अभी इनकी लड़ाई चल रही है, ये देखेंगे। और इनकी लड़ाई ना बहुत लंबी चलनी है, क्योंकि जब तक ये दाना पानी खाते रहेंगे ना, इनकी लड़ाई होती ही रहेगी। तो यार दोस्तों, अभी मास्टर के में आए थे ये छुरी लेने के लिए। और ये छुरी का मैं बताता हूँ काम क्या करना है, चलते हैं। तो यार छुरी का काम ये करना है कि ये देखें, मैंने बेल बांध दिया है, आपको मैं दिखाता हूँ। तो यार दोस्तों ये देखें, ये मैंने यहाँ बेल बांध दी है कि अगर इनको परिंदे तंग नहीं करते, तो इसलिए मैंने यहाँ बांधी थी। और मैंने अभी देख लिया कि ये तोते जो है ना, ये अंदर से जाली से ना यहाँ से इसको खाना चाह रहे थे। तो यार ये तो प्लान गलत हो गया, अभी इसको यहाँ से खोलते हैं जल्दी से। यार दोस्तों अभी मैं यहाँ आया हूँ, ये देखें आपको दिखाने के लिए। ये देखें हमारी बेल, अब मैं दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, यार हमारी बेल कितनी लंबी हो गई है, ये देखें। और बस यार दुआ करनी है ये बेल ना हमारे इतनी लंबी हो जाएगी, यहाँ पूरी आ जाएगी इंशाल्लाह। बस आपने दुआ करनी है यार, सब्सक्राइब भी करना है आपने। देखे वो देखे अभी भी खा रहे हैं, ये दिखाना था मैंने आपको। ये देखें ये खा रहे हैं, ये देखें नुकसान पहुँचा रहे हैं इसको। तो यार इनको पीछे करते हैं और ये खोलते हैं। मैं यहाँ से खोलता हूँ। यार दोस्तों ये मैं बेल यहाँ से उठा कर यहाँ फिलहाल रख देता हूँ। मैंने इसलिए उतार दिया क्योंकि यार अगर इन्होंने तोड़ दी ना, तो इसका ये नया सीढ़ा नहीं आएगा। यार दोस्तों ये तो सारे छोटे नींबू हो गए ना, जो मैंने आपको बड़े नींबू है ना, वो दिखाता हूँ आपको इस छोटे पौधे में। छोटे में बड़े नींबू और बड़े में छोटे नींबू, उल्टा चक्कर है। एक ये बड़ा नींबू है दोस्तों, एक ये है और एक वो पीछे है। और अगर कोई मुझे नज़र आता है मैं आपको दिखाता हूँ। और यार मुझे तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। और दोस्तों तकरीबन 4 दिन बाद इसके ऊपर से फिर एक नया फूल आ गया है। ये बीच में एक लॉन्ग ब्रेक लेते हैं, लेकिन उसके बाद एक दम से निकल आते हैं ये। तो यार दोस्तों आज अपने पौधे गिनने कितने हैं, मैंने आज तक नहीं अपने पौधे गिने गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यार दोस्तों 13 पौधे इस लाइन में हैं हमारे, ये सारे 13 पौधे इस लाइन में हैं। और एक ये 14, 15, 16, 17, 18 हो गए। वैसे एक बात बताऊँ, ये तो मैंने 18 गमले गिने हैं। अगर पौधों की बात है ना, पौधे इससे ज़्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें, 1, 2, 3, ये 4 और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11, 12 और एक ये 13। ये 13 हो गए एक एक पौधे। और अब आगे चलते हैं, ये 14, एक ये 15, एक ये 16, 17, 18, 19 और ये एक पीछे गुलाब का 20, एक 21 और एक 22। 22 पौधे हैं यार दोस्तों हमारे साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह से 22 पौधे हैं। और इन पौधों के आपको मैं नाम बताता हूँ। ये मेरे ख्याल से अमरूद का पौधा है, मैं पक्का कंफर्म नहीं करता, मुझे जितना नॉलेज उतना बताता हूँ। ये गुलाब का पौधा है, ये गुलाब का, ये भी गुलाब का,
इसका इसका नाम आपने कमेंट में बता देना यार दोस्तों। ये निब्बू का, इसका इसका भी नहीं आता मुझे। ये भी नींबू, ये नियाज बेग है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे लगता है। ये हमारी एलोवेरा, इसका भी नहीं आता, इसका भी नहीं आता। ये भी मेरे ख्याल से अमरूद का ही है। और ये बेल जा रही है। और तो यार दोस्तों अभी अभी मुझे पता चला है कि इसका नाम गुची है और ये अमरूद का नहीं है। मैं आपको गलत बता रहा था, ये कोना या कोने इस तरह का कोई इसका नाम है, पता नहीं बताया था लेकिन मैं भूल गया हूँ। इसका गुची है, इसका पक्का है। और अमरूद का मैं दिखाता हूँ, अमरूद का है हमारे पास। और ये भी कोना ही है, ये अमरूद नहीं है। और आगे चलते हैं, आगे यहाँ से शुरू करता है। ये बेल है, इसका नाम आपने बता देना कमेंट में। ये भी बेल है, ये एलोवेरा। और ये सरू का पौधा है, और इसका आप बता देना। ये भी सरू, ये भी एलोवेरा, ये है मोतिये का। और अब आता है, यहाँ से शुरू होता है, ये है अमरूद का पौधा। ये है दोस्तों अमरूद का पौधा। ये देखें इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक से कोई डॉट्स हैं। ये पता नहीं इसकी अपनी खूबसूरती के हैं या कोई पानी कम देने की वजह से इस तरह का हो गया। तो यार दोस्तों मैं ना कभी बाजू का इनको पानी देना भूल जाता हूँ, तो इसकी वजह से ये हो गया है। ये देखें इसके नए पौधे आ रहे हैं, लेकिन ये लाइव हो गया था, लेकिन बीच में तो ये बिल्कुल ब्लैक हो गया था। और मुझे जब डांट पड़ी तो मैंने इसको पानी दिया और फिर से ये सरवाइव कर लिया इसने। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब जब मैं इसको रूटीन में पानी देता हूँ ना, ये देखें इसके छोटे छोटे से नीचे से पौधे आ रहे हैं। इसकी अपनी ये डंडी यानी इसी में से पौधे आ रहे हैं। और फिर आगे भी पौधे हैं दोस्तों हमारे, कितने 21 या 22 पौधे हुए थे ना। 21 या 22 पौधे के अलावा एक ये ऊपर भी एक बेल है, और एक ये भी बेल है। 24 हो गए, 24 और एक 25 हो गए, 3 नीचे हैं, 25 और 3 हमारे पास हो गए 28 पौधे। यार दोस्तों माशाल्लाह हमारे साथ। यार दोस्तों इस बेल का मुझे पता चला है झुमका बेल है। मैं भी पूछ पूछ के बता रहा हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि आपको इसको बड़ा नॉलेज आया ब्ला ब्ला ब्ला, मैं पूछ के बता रहा हूँ। ये झुमका बेल है। और दोस्तों नीचे एक तरेक भी लगी हुई है, तकरीबन हमारे पास 30 से ऊपर ही आप पौधे हैं नीचे। 3 से 3 एक साइड पर हैं, 3 एक साइड पर हैं, 30 से ऊपर हैं यार। तो यार दोस्तों हमने मैंने ना नीचे तरेक नीम, मैंने तो अभी मेरे गार्डन में तरेक नीम और बकैंद जो होती है वो लगाई हुई है। खैर काफ़ी पौधे 3 से ओपन है, नीचे वाला भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इससे अगली या इससे अगली किसी वीडियो में आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। यार दोस्तों इसका नाम मुझे फिर से पता चला है कि इसका नाम पाम, पाम इसका नाम है। और इसका नहीं आता यार, ये मैं बेलचे में डालता हूँ, बेलचे पर डालता हूँ, बेलचे में नहीं। यार एक तो मुझे समझ नहीं आती, मैं बोलते बोलते मुझे पूरा क्या क्या बोल जाता हूँ, मुझे पूरी नहीं समझ आती। आपको आती है? यार मैं बाजा नहीं ये लेके आ चुका हूँ, इनको डालते हैं। क्या दोस्तों सारा डिफेंडिंग वर्क हो गया है, मतलब छोटा सा काम रहेगी है। और फुल सांस चढ़ रही है ये काम करते हुए। मुर्गा रह गया, चीनी मुर्गी रह गई, गुनाफोज अंदर आ रही है। इन्होंने लगता है इस डोम या किल हो जाना है इस मुर्गे के हाथों। और उसका डेथ नोट लिख पढ़ना, मैंने खत पर लिख दिया इसके, इसका मौत हो जानी है। जहाँ ये फिर रही है यार, जब मैं इसको बाहर लेके गया अपने भाइयों के वहाँ से भाग के आके दोबारा अंदर आ गई है इसकी भैंस की टांग। तो यार दोस्तों आज की वीडियो को मैं आपको कहता हूँ यहीं पर एंड। तो यार दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो यार दोस्तों आज सबको एक मैसेज देना है, अगर यार भाई सच में आप मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी मुझे क्या बताओ, जो भी हो यार, अगर आप सच्चे दिल से एक ह्यूमैनिटी के इंसानियत के खाते सब्सक्राइब कर दो यार। भाई आपके पाँव पकड़ता हूँ, क्या करूँ आपकी यार, आपके इतनी मैं करता हूँ, रोज़ वीडियो डाल दूँ, सब्सक्राइब कर दो, मैं चैनल छोड़ कर चलूँ, डिज़ाइन दे दूँगा अगर आपने सब्सक्राइब ना किया, कर लूँगा ऐसे ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और यार आपने कमेंट कर देना है, लाइक ठोक देना है आपने, बस यही काम है। तो अल्लाह हाफिज़ मैं करने जाता हूँ, क्योंकि अब यार क्या करूँ, आप सब्सक्राइब नहीं करे, मुझे देखी जा रही हो, इसको देखी जा रही, नीचे जाओ चैनल के बाहर जाओ यार, एक लाल बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको दबाओ पे यार, बेल आइकन ऑन करो यार, और क्या चाहिए यार, आप करो तो सही, एक सेकेंड आपको मज़ा आएगा, ये टन की आवाज़ आएगी जब आप बेल आइकन ऑन करो ना यही, तो यार आप उसको छोड़ो, सब्सक्राइब लाइक का बटन ठोको, आपके लिए रखा है हमने। और यार दोस्तों आपने एक बात ज़रूर बता दी, मैं बोलता हूँ कैसा हूँ ये कमेंट करना, मुझे एक भाई ने कमेंट आया था कि भाई आपको बोलते कैसे हो आप, भाई जान कमेंट करना है ये मैं बोलता कैसा हूँ,
एक व्यूज आता है, एक ने कमेंट, 100 व्यूज आते हैं, 100,000 व्यूज, 1,00,000 व्यूज भी आते हैं, मिलियन व्यूज हैं, मिलियन लोगों ने कमेंट कर दिए हैं कि अब भैया पोते कैसे। तो यार बस इतना काफ़ी है यार, अल्लाह हाफिज़।